फिर क्या हुआ सर? फिर क्या हुआ? बस यूं ही सेम टू सेम इसी तरीके से मैं अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ और ठीक मेरे पीछे खतरनाक क्रिमिनल चंदू चूहा। फिर फुर्ती से मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। मैं खड़ा हुआ, मैं कुर्सी से खड़ा हुआ। हाथ दो, चलो जोर लगा के। ठीक ऐसे ही सेम इसी तरह उस दिन भी बहुत सारे लोगों की मदद लेकर मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ ताकि चंदू चूहे को ऐसा लगे कि मैं पिया हुआ हूँ। और अगर मैं पिया हुआ हूँ तो उसको पकड़ूंगा कैसे? इसलिए ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, पुलिस का प्लानिंग। फिर क्या हुआ सर? फिर क्या, चंदू चूहे ने गन निकाल के मुझ पे तान दी। मैंने निकाली फिर अपनी गन। वो जरा गन निकाल। यस सर। बटन खोल दे। ये निकाली मैंने अपनी गन और मैंने अपनी गन चंदू चूहे पर तानी। अब सामने उसकी गन मेरी ओर और मेरी गन उसके ओर। ठाई 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 वहां से चली गोलियां, यहां से चली गोलियां, गोलियों की एक बौछार। फिर क्या हुआ सर? फिर क्या, उसकी एक गोली सीधा मेरे सीने के आर पार। नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, छह गोलियां लगी मुझे, छह गोलियां। या 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 मेरा शरीर तो जैसे मच्छरदानी हो गया था। फिर भी नहीं छोड़ी जान। नहीं, उसकी टांग पकड़ के रखी थी ना मैंने, उसकी टांग मैंने पकड़ के रखी थी। अब छह गोलियां लगी हुई है मुझे, लेकिन टांग पकड़ के रखी है मैंने। वो आगे बढ़ रहा है, मैं रेंग रहा हूँ। वो आगे बढ़ रहा है, मैं रेंग रहा हूँ। वो बढ़ता जा रहा है, मैं रेंगता जा रहा हूँ। फिर भी मैंने टांग नहीं छोड़ी, छह गोलियां लगी है फिर भी। क्या छह गोली थोड़ा ज्यादा हो गया? पांच कर देते हैं। चार नहीं, तीन नहीं, दो नहीं। अरे इतनी सारी गोलियां चली यार, एक भी नहीं लगेगी क्या? ठीक है सर, दो पे बांडवाली कर लेते हैं। सर फिर क्या हुआ? फिर क्या, टांग तो मैंने पकड़ी रखी थी उसकी, खड़ा हुआ उसका गिरेबान पकड़ा और अरेस्ट किया मैंने उसे। जाते जाते चिल्ला रहा था, जेल से छूटूंगा ना तब तुझे देख लूंगा। मैंने देख लेना यार, देखने वाली चीज हूं मैं। मैंने उसको आदित्य के हवाले कर दिया, वो अपना इंस्पेक्टर आदित्य नहीं है। मैंने बोला इतना ट्रेन किया है तुझे यार, अरेस्ट वरेस्ट करके लेकर तो तू जा, सारा काम मैं करूंगा क्या? क्या बात कर रहे सर, आदि सर को आपने ट्रेन किया सच में? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? इंस्पेक्टर आदित्य इतना सा था, ट्रेन कर करके मैंने बड़ा किया है उसे। अरे भाई, क्रिमिनल को कैसे पकड़ना है, एक गन को कैसे हैंडल करना है, सब मैंने सिखाया है। पर जब नया नया आया था ना, यूं गन पकड़ता था। मैंने कहा बेटा क्या कर रहे हो, गोली तुम्हें लग जाएगी, यूं गन को यूं पकड़ो। बड़ा भोला था वो, कभी कभी पूछता था कि पुलिस हमेशा क्रिमिनल से ये क्यों कहती है कि हमने तुम्हें चारों ओर से घेर रखा है, कभी ये क्यों नहीं कहती तीन ओर से घेर रखा है, दो ओर से घेर रखा है। कैसे कैसे सवाल, लेकिन बड़ा प्यारा लड़का है, मैं उसे हमेशा कह। इत्तेफाक की बात देख यार, आदि अभी तेरे बारे में ही बात कर रहा था और तू आ गया। गुड 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 गुड। और यहाँ पर क्या पंचायत चल रही है? हाँ, मैं कोई नेता हूँ, भाषण दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, चलो जाओ अपना अपना काम करो। वेरी गुड यार, नाइस टू सी यू। सर आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे खुश नहीं, एकदम खुशी से पागल हो गया है हम। अरे आज हमारा सपना पूरा हो गया रे। आ जाओ तुमको दिखाएगा, आ जाओ दिखाएगा, कम ऑन देख लेते हैं। आ जा।
क्या बात है? ये देखो, एक महान फुटबॉल प्लेयर मैसी, मालूम है? उसका पेंटिंग है। एग्जीबिशन से 5 लाख में खरीदा है हम। और सर कितनी सुंदर पेंटिंग है ये। हट हट हट। इसके आपने 5 लाख रुपए दिए हैं सर। सर ऐसी पेंटिंग में सोते सोते आंख बंद करके बना लेता हूँ सर। इतना पैसा खर्चा करने की जरूरत थी नहीं। जरूरत तो तुम्हारा भी दुनिया में आने का नहीं था, फिर भी आ गया। करता है। अरे तुम क्या समझेगा रे, एक फैन के लिए इसका वैल्यू क्या है? इसको तो फैन भी वही लगता है सर। हाँ चले आजी, वो कल का चार्जशीट के बारे में हम बात करेंगे उधर। और तुम इस पेंट को छूना भी नहीं, इसको कुछ हुआ तो सलाम, हम भूल जाएगा तुम किसका साला है। नीचे से रॉकेट लगा के उड़ा दूंगा मैं। सर रॉकेट तो बना नहीं सर, जो इसको लेके उड़ जाए, लेकिन आप कह रहे हैं आप सीनियर है तो होगा सर। हमने बनाया है, हमारे पास रॉकेट है, डीजीपी को उड़ाने के लिए रखा है, कभी उड़ा दूंगा साला। चलो सर, सर आ जाओ। पांच लाख की पेंटिंग छूना भी मत, ऐसी क्या बात है यार इसमें? ये कलर जरूर इंपोर्टेड हो सकते हैं, ऐसे कलर इंडिया में पहले कभी देखे नहीं। सर जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा हो जाएगा सर। बिल्कुल बहुत अर्जेंट। हाँ सर। अर्जेंट वो पेंटिंग दिखाई नहीं दे रही सर आपकी। यही थी सर, कोई ले गया लगता है। कौन ले गया पता नहीं। पेंटिंग कौन कैसे ले जाएगा, तुम थे ना यहाँ पर। उनको बोला ध्यान रखो आप पर, पता नहीं कौन ले गया भाई। एक सेकंड, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे ये नहीं है सर, आपकी पेंटिंग नहीं दे रहा। अरे नहीं ये देखो, ये सर की पेंटिंग है। इधर देखो, ये 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 सर पेंटिंग को चोर है। अरे आई आई ये ये को चोर है इसको। ये साफ हो जाएगा सर। कैसा होगा कैसा होगा, क्या कर दिया ये, क्या कर दिया? हमारा मैसेज किधर गया? शायद फुटबॉल खेलने गया होगा सर। क्या बोला? अभी तेरे को बताता हूँ फुटबॉल क्या होता है। नहीं नहीं सर, मैं मतलब तुमको मैं कैसा पनिश करूंगा, जिंदगी भर याद करेगा। जाओ उधर, चल उधर। छोड़िए ना सर, माफ कर। बात करो। हाँ बोलो सर, बच्चा हूँ सर, छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती है। छोटा मोटा गलती है नहीं, मतलब बड़ी गलती है, मानता हूँ सर बड़ी गलती है। लेकिन सर क्या है सर, 5 लाख का नुकसान हुआ है ना सर। 5 लाख मेरी पगार में से काट लीजिएगा। पगार में से कितना साल काटू तेरा पगार में से? सर मैं क्या कहता हूँ, इसके 4 दांत तोड़ दीजिए सर, पैसे वसूल। दांत? सर देखिए, हाथी का एक दांत 1.25 लाख का होता है, 4 दांत तोड़े तो 5 लाख वसूल। हाथी का दांत 1.25 लाख का होता है, इसका दांत का मैं 1.25 रुपए भी दे दूंगा। ए हाथ ऊपर करो सर, पॉइंट तो है। पगड़ में से काटो। काटूंगा मैं, तेरे को काटूंगा। तुमने हमारा मैसी का पेंटिंग के साथ जो किया है, हम तुम्हारे साथ करेगा। जिंदगी भर ऐसे ही खड़ा रहो। अभी जरा समझाना सर को यार। हाथ ऊपर कर। हाँ सर। बोलना सर को यार, माफ कर दे, बोलना जरा यार। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, आपसे इतना कुछ सीखा है मैंने, जरा ये भी तो सीख लूं कि कितनी देर तक आप दीवार की ओर मुंह करके खड़े हो सकते हैं। देख लूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं। हाथ ऊपर। सर माफ कर दीजिए ना सर, क्या प्लीज सर, क्या रे सर, क्या रे? चंदू चुहा जेल से भाग गया है सर, और पता चला है कि वो इसी इलाके में देखा गया है। पूरी बाबा, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए सर। हाँ सर। एक तुम खड़ा रहो। नहीं सर, बेचारा अकेले कैसे चला जाएगा सर, पार्टनर है मेरा सर, उसके साथ कुछ गलत हो गया तो उसकी रक्षा करने के लिए तो कोई चाहिए ना। बस यही पर हूं सर। अरे उसको बोला। ओके सर, घूम जाओ। यस सर। ए तुमको नहीं, उसको बोला। ए घूम दो। ओके सर। अदित्य जाओ, उस क्रिमिनल चंदू चुहा को पकड़ के लाओ। यस सर। साथ में तुम भी जाओ, अभी तुमको बोला, साथ में तुम भी जाओ। यस सर। कौन है रे तुम, क्या आदमी है तुम? सर आपका पीस प्लेट तैयार है। पूरी बाबा इधर है। ध्यान रखना, ध्यान ना जोड़।
कदम काई सेवा करू? एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाला पोसा, बड़ा नहीं किया? कानून क्या तो लंबे होते हैं ना, ये वाला छोटा क्यों है? खा पूरा खा। हो गया बिस्किट बिस्किट है बेटा, चला जा, अब कुछ सवाल जवाब हो जाए है, आ जा इधर बोल। शुरू है। अरे काई को टाइम खोटी कर रहे साहब, अपन ने बोला ना कि चंदू किधर है, अपन को पता नहीं, उसका थोपड़ा देखे हुए जमाना हो गया साहब। माँ कसम उसका थोपड़ा ही नहीं देखा साहब। एक बार बता बबलू डबलू, ये चमड़ी हड्डी से अलग रह सकती है क्या? नहीं ना, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि चंदू चूहा जेल से भागे और तुझे कॉन्टेक्ट ना करे? चुपचाप बोल, चंदू चूहा कहाँ है, वरना वो हालत कर दूंगा कि चप्पल गीली हो जाएगी। साहब मर्द का बच्चा है, मर्द का, तोड़ डालो फोड़ डालो, अपुन नहीं बताएगा कि चंदू उस्ताद कहाँ है। साहब मर्द को है ना दर्द नहीं होता। तूने वो कहावत तो सुनी होगी बबलू, कि जिसे दर्द नहीं होता वो मर्द नहीं होता। चूनावाड़ी गोडाउन में जाकर पकड़ लो। चूनावाड़ी गोडाउन गुड गुड गुड, काम करो काम करो। दर्द कर गया यार। एक बार बॉस से पता तो कर ले, चंदू चूहा पकड़ा गया कि नहीं। जूस सर। आया मत करो ऐसे। जूस जूस, हाँ जूस की तो मुझे काफी जरूरत थी। वैसे किसका जूस है? आपका। मेरा है, मुझे पता है, संतरे का है कि छोड़ो यार। सर। ओ अच्छा, तुम भी आए हो। वैसे आपको डर तो नहीं लग रहा सर? किस बात का डर? इस बात का सर, अगर चंदू चूहा पकड़ा नहीं गया तो क्या होगा सर? तो क्या होगा? भूल गए सर, आप ही ने तो बताया था चंदू चूहे ने आपको धमकी दी थी, जैसे वो जेल से बाहर आएगा सबसे पहले आपसे बदला लेगा। अरे ऐसी धमकियां मानव ए देसाई अपने पिज्जा पे रख कर चीज के साथ खा जाता है। चंदू चूहा क्या चीज है? अरे इसके लिए तो मेरा वो चेला है ना अपना इंस्पेक्टर आदित्य, वो ही काफी है, अभी घर से पकड़ के उसको लाता ही होगा। सर आप चंदू चूहे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, सब जानते हैं चंदू चूहा कितना शातिर दिमाग अपराधी है, मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से किसी के हाथ आएगा। पर मुझे लगता है। सब ये भी जानते हैं कि इंस्पेक्टर आदित्य मानव ए देसाई का चेला है, और मानव ए देसाई का कोई भी चेला कभी भी अपने मिशन में कभी नाकामयाब नहीं हुआ। सर इतना भरोसा है आदित्य सर पर? अपनी ट्रेनिंग पर, उस पर भरोसा नहीं, अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा। अच्छा तो लगी शर्त? कैसी शर्त? अगर आदित्य सर चंदू चूहे को पकड़ने में कामयाब हुए तो जैसा आप चाहोगे, और अगर पकड़ नहीं पाए तो जैसा मैं चाहूँ। लगा लूंगा शर्त, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम एक बार सोच लो इस शर्त तुम्हें कहीं महंगी ना पड़ जाए। आप भी सोच लीजिए सर, शायद आपको ज्यादा महंगी पड़े। ये बात है, ओहो तो ठीक है, लग गई शर्त। अगर आदित्य चंदू चूहे को पकड़ के यहाँ पर ले आए, जो जाहिर सी बात है वो पकड़ के ले आएगा, तो मैं शर्त जीता, और अगर मैं शर्त जीत गया तो अगले एक महीने तक जो भी मैं खाना चाहूँ, जहाँ से भी खाना चाहूँ, कितना भी महंगा खाना चाहूँ, ये खाना तुम अपने पैसों से मुझे मंगा के दोगे। मंजूर, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और मैं शर्त जीती तो आपको मुझसे शादी करनी होगी। इतनी सी ये क्या शर्त हुई? मतलब ये क्या बात हुई, ये क्या होता है?
मैंने पहले ही कहा था सोच लीजिए। नहीं सोच लिया, लेकिन ये कोई शर्त लगाता है क्या ऐसे शादी? चंदू चूहे का पता चल गया है, चूनावाड़ी में छिपा है, हम पकड़ने जा रहे हैं। तो चलो, लग गई शर्त, मुझे मंजूर है। सच्ची सर? हाँ सच्ची मुच्ची मुच्ची सच्ची सच्ची मुच्ची। क्या तुम इतने क्यों पागल हो रहे हो? सर चंद्री का घर बस रहा है ना, खुशी तो होगी ना सर। सर इधर देखिए ना जरा कैमरे में। क्यों? क्या है कि पुलिस वाले है ना, सब ऑन रिकॉर्ड रखना पड़ता है सर। सर आपको सुंदरी की शर्त मंजूर है? अगर आदित्य सर चंदू चूहे को पकड़ने में नाकामयाब रहे तो आप सुंदरी से शादी करेंगे? हाँ करूंगा करूंगा, बोला ना करूंगा। सर जरा प्यार से मुस्कुरा के बोलिए ना। बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ। अगर इंस्पेक्टर आदित्य चंदू चूहे को पकड़ के नहीं ला पाए तो मैं मानव ए देसाई इस सुंदरी से, जिसे लोग सुंदरी क्यों कहते हैं पता नहीं, इससे मैं शादी करूंगा करूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। अब क्या गाने वाने गाऊं, क्या पूरी पिक्चर बनानी है? करो। बॉस इसे एक काम करो, तुम वहां से जाके देखो, मैं यहां से जाके देखता हूँ। ओके सर। सर मैं हूँ पीके बॉस। अरे बॉस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने बोला था ना वहां से जाने के लिए। सर वहां पे डेड एंड है। अच्छा हुआ टाइम पे बता दिया, वरना तुम्हारी लाइफ का डेड एंड हो जाता। चलो तुम जाओ। बॉस चुप चुप चुप। एक सेकेंड। जरा भी हिलने की कोशिश की तो भेजे के बीचों बीच गोली मारूंगा, पीछे जाके प्लेट में गिरेगा। चंदू चूहा कहाँ है? मुझे नहीं पता, मेरा नाम तो मंगल है, मैं तो यहाँ अकेला रहता हूँ। अच्छा अकेला है? हा? दो दो प्लेट दो दो ग्लास पीछे पड़े हुए हैं। मंगल ये कौन सा तरीका होता है अकेले बैठ के खाना खाने का? सही सही बोल मंगल, वरना मैं तेरा शनि भारी कर दूंगा। चंदू चूहा कहाँ है? बताता हूँ साहब, वो यहीं पे बैठ के खाना खा रहा था, पर किसी ने नाके से उसे टिप दी कि पुलिस वाले उसे ढूंढते हुए आ रहे हैं, तो वो भाग गया। बॉस सर एक काम कर, तू इसको इस रास्ते से गाड़ी में डाल, मैं जरा वहां से पकड़ता हूँ। मुझे मुझे अरे मुझे अरे मुझे क्यों छोड़? अरे अरे सर अरे अरे। हाँ हाँ चाची चाची पाए लगू, चाची पाए लगू। हाँ सुंदरी बात कर रहे हैं हम। हाँ आज ना मेरी शादी है। हाँ शाम को 7 बजे का मुहूर्त निकला है चाची। हाँ वही वही तेरा मेरा मैरिज हॉल, जहाँ मुन्नू के मुंडन का फंक्शन हुआ था। हाँ अरे चाचा को बोल दे रहा हाँ आना है करके, वरना हम उनसे बात नहीं करेंगे। और मुन्नू को भी बोल देना आना है करके, वरना उसके दांत तोड़ देंगे। अच्छा रख दू? हाँ रखती हूँ हाँ रखती हूँ। क्या बात है सुंदरी, जॉगिंग बिगिंग चालू? हाँ तो फिर अभी शादी है ना, तुम पेंटिंग तो करना पड़ेगा ना, इसलिए जिम ज्वाइन की है। बराबर एकदम बराबर। जय हिंद सर। जय हिंद। गंडगोल गोगल गोगल। अरे सर क्या हो रहा है इधर भाई, क्या हो रहा है इधर? सुंदरी की शादी सर मानव सर के साथ। ये कब हुआ? हे मानव क्या ये सोचा है? अरे सर कोई दिन में भी सपने देखना शुरू कर दे तो कोई क्या कर सकता है। हाथ उपड़ वो चालू है अब तक सर? हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि सर सपने देख रही है सर। सर क्या हुआ ना सर, मेरी और सुंदरी की एक शर्त लग गई कि अगर आदित्य चंदू चूहे को पकड़ लाया तो सुंदरी वही करेगी जो मैं कहूंगा, और बाय चांस अगर पकड़ के नहीं ला पाया तो मुझे सुंदरी से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन सर आपको तो पता है इंस्पेक्टर आदित्य है, मिशन पे जाता है कभी फेल होके नहीं आता। वो तो ठीक है रे बादो, अगर आदित्य बाय चांस चंदू चूहा को पकड़ नहीं पाए तो
सर पॉसिबल ही नहीं है सर। नहीं मैं कह रहा हूँ पॉसिबल ही नहीं है सर। आप मैं आदित्य को जानते हैं सर, ट्रेन किया मैंने उसे। आदित्य का फोन। अच्छा उसका फोन है। अरे अरे आदित्य, ये वो चंदू चूहा पकड़ा गया कि नहीं? सर हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि चंदू चूहा चूनावाड़ी में छुपा हुआ है और इसलिए हम उसे पकड़ने चूनावाड़ी आए हैं सर। आपको मालूम है तुम तो पकड़ेगा ही उसको। सर पकड़ता तब जब वो यहाँ पर होता। मतलब ये सर कि मुझे लगता है चंदू चूहे को हमारे आने की टिप पहले ही मिल चुकी थी और क्या? और सर वो यहाँ से भाग गया और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा सर कि चंदू चूहा हमेशा हमेशा के लिए हमारे हाथों से निकल गया सर। हमेशा के लिए? जी सर। पता चला है कि समुद्र के रास्ते दुबई भाग गया है। आदि 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 नहीं 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 आदि आदि कह दे कि तू झूठ बोल रहा है। आदि ये मजाक है, कह दे ये मजाक है। मानव आई एम रियली रियली सॉरी लेकिन यही सच है कि चंदू चूहा हमेशा हमेशा के लिए हमारे हाथों से निकल गया। हाथ ऊपर कर पूरा हाथ ऊपर। उधर जा उधर जा उधर। सुंदरी तुम भी हाथ ऊपर करो। ये मानव चंदू नहीं मिला तो क्या हुआ, बिंदु तो मिली। खुश रहो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.